प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आंकड़े जारी कर देश की वर्तमान आर्थिक दिशा और दशा के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश के हालात चिंताजनक हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष पर अब तक 1,31,100 मिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है। यही नहीं, मोदी सरकार 6 लाख करोड़ और कर्ज में डुबोने की तैयारी कर रहा है। जनता की खून पसीने की कमाई से बनाई गई सरकारी परिसंपत्तियों को बेचने का कार्य शुरू है। रेलवे को बेचने का काम चल रहा है। 100-200 करोड़ रुपए में देश के रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। रेलवे में भर्तियां बंद हो चुकी हैं और जो भी हैं उनमें बेरोजगारों से भारी भरकम फीस लूटी जा रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि देश में वर्ष 2013-14 में बेरोजगारों से भर्ती हेतु रेलवे विभाग ने 9 करोड़ रुपए फीस के रूप में अर्जित किए थे, जो कि 2018 तक यह राशि बढ़कर 900 करोड़ हो चुकी है। यानी बेरोजगारों से रोजगार प्राप्त करने के नाम पर सरकार लूट रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि असलियत यह है कि रेलवे में आधी से ज्यादा सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2014 तक मोदी सरकार देश का 268 टन सोना गिरवी रख चुकी है। देश के राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी है। जिन बैंकों को बेचा नहीं गया है उनमें भी निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते आने वाले समय में यह बैंक भी निजी हाथों में चले जाएंगे। दीपक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की योजना सभी क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने की है। इसके पीछे चंद बड़े घरानों की रुचि को अधिमान देने के लिए ही निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार की योजना भविष्य में सरकारी स्कूलों को भी निजी हाथों में देने की है। ऐसा होने पर गरीब आदमी के बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो जाएंगे। मोदी सरकार ने देश को कर्ज में डुबो दिया है। विश्व बैंक के खुलासे के अनुसार 1,31,100 मिलियन डॉलर का कर्ज हिंदुस्तान के ऊपर है और जिस तरह से मोदी सरकार की नीति है उसके अनुसार लगभग 6 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे देश आने वाला है। 20 लाख करोड़ तक के कर्जे तक पहुंचने की स्थिति देश में बन चुकी है। अब तक 268 टन सोना देश का गिरवी रखा जा चुका है। ऐसी स्थिति में देश को किस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जा रही है, ये बहुत चिंतनीय है। दूसरी ओर अगर देश के हालात की बात करें तो बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। रेलवे पूर्ण रूप से निजीकरण के रूप में जा रहा है। हैरानी तो इस बात की होती है कि इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी सरकार सरकारी स्कूलों को भी उनका भी निजीकरण करने पर उतर गई है। इस तरह के हालात में, जबकि अगर देखा जाए तो पिछले 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तेल के दामों में बढ़ोतरी करके 20 लाख करोड़ रुपया कमाया है। उसके अलावा निजीकरण के नाम पर सरकारी उपक्रम जितने हैं उनको बेचकर करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा किया गया है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? ना विकास हो रहा है, ना बेरोज़गारी दूर हो रही है। अब तक के इतिहास में मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पैदा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाने लगे हैं। पूरे देश में बेरोज़गारी का आंकड़ा सबसे ऊपर पहुंच गया है अब तक के हिसाब से, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? अगर इसके हम तय के में जाएं तो ये पता लगता है कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपया लगभग 5 घरानों के कर्जे माफ़ करके उनको बांट दिया गया। किसानों को कुछ नहीं मिला, दूसरे लोगों को कुछ नहीं मिला, आम जनता को कुछ नहीं मिला, लेकिन महंगाई इस तरह से अप्रत्याशित तौर पर बढ़ाई जा रही है कि किसी तरह का कोई नियंत्रण महंगाई के ऊपर नहीं है। आए दिन रेट जो हैं वो खुद ब खुद ही बढ़ रहे हैं और सरकार का कहीं पे भी कोई भी किसी तरह का ऐसा कार्यक्रम या ऐसी नीति या ऐसा प्रोग्राम नज़र नहीं आता है जिसमें कि इस तरह पे महंगाई पे नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई हो। ये निसंदेह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश बहुत संकट में है, बहुत विकट स्थिति पे देश की अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार ने पहुंचा दिया है। कांग्रेस पार्टी इस स्थिति को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में आम जन के बीच खड़े होने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ताकि इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जनता को इकट्ठा करके हम इस सरकार को बेनकाब कर सकें।
पीआर टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।